फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जिसमें हम सीखेंगे टू फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस फॉर एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, एक प्राइम नंबर की पावर हो सकती है, दूसरे प्राइम नंबर की पावर हो सकती है और उनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, या एक नंबर का फैक्टोरियल हो सकता है और दूसरे नंबर की पावर हो सकती है और उनके मल्टीप्लीकेशन से फाइनली हमें क्या मिलेगा, हम ये सीखेंगे। ये आपको काफी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 की पावर हमें गिवन है 37। अब हम एक साइकिल फॉर्म करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि 2 की पावर्स में बनता क्या है, यूनिट प्लेस पर आता क्या है। जैसे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू होता है 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू होता है 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू होता है 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। मैं सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट में इंटरेस्टेड हूं, 16 में से यूनिट प्लेस पर आएगा 6, 2 की पावर 5, 16 2 32, तो 2। तो आप देखते हैं 2 अपनी साइकिल 4 पावर्स के बाद रिपीट करता है। अगर हम 2 की पावर 6 देखेंगे तो वहां पर 4 आएगा, 32 2 64, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, मैंने यूनिट प्लेस पर ले लिया, 2 की पावर 6 64, देखिए क्या मिला मुझको 4। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 की पावर्स जब 4 हो जाती हैं तो उसके बाद साइकिल रिपीट करती है, यानी कि 4 की साइकिल बनेगी। सिमिलर मैनर में हम ऑब्जर्व करेंगे 3 की पावर के लिए, 3 की पावर हमारे पास है 29, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। तो यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यूनिट प्लेस पर आएगा, यूनिट प्लेस, यहां पर भी ये वाला यूनिट प्लेस, यहां पर भी साइकिल 4 की बन रही है, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 3 9 7 1, अगेन 3, तो देखिए 4 की साइकिल बनी। अब हम क्या करेंगे, 29 को डिवाइड करेंगे 4 से। जब 29 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 4 7 जा 28 प्लस 1, तो जो 4 4 की साइकिल है, यानी कि जब आप 3 की पावर 4 लिखेंगे लास्ट में आपको मिलेगा 1, पावर 7 करेंगे फिर 1 मिलेगा, तो 3 की पावर 1 बची, 1 बची तो 3 की पावर 3 में, यानी कि 3 की पावर 29 के लिए हमारे पास जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी 3 की पावर 1 की वजह से आएगी, और 3 की पावर 1 की वजह से आएगी तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो होगी 3। अब 2 की पावर 37 के लिए आप 37 को 4 से डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करना है, जितनी की साइकिल हो, 37 बाय 4, यू कैन राइट 4 9 जा 36 प्लस 1, यहां पर भी 1 बचा, तो 3 की पावर 29 के लिए जो हमको मिला था उसी मैनर में 2 की पावर 37 के लिए जो पावर बचेगी वो बचेगी 2 की पावर 1, यानी कि यूनिट प्लेस पे आपको 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस 2 मिलेगा। और जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे, जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 6। अगर आपके पास इसी में मैं सेकंड केस ले लूं, 3 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 37, तो आपके पास सेकंड केस के लिए 3 की पावर 29 में यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है 3, 2 की पावर 37 की यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है 2, तो आपको आंसर में यूनिट प्लेस की डिजिट मिलेगी 5। फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस फॉर 10 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 38, सेकेंड पार्ट रहेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 रेशियो की पावर 38। तो हम फिर से वही तरीका अपनाते हैं, 3 की पावर 38, अभी हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं 3 की साइकिल को, 3 की पावर 1 के लिए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3, 3 की पावर 2 के लिए यूनिट प्लेस पर आएगा 9, 3 की पावर 3 के लिए यूनिट प्लेस पर आएगा 7। वीडियो को पूरा देखिएगा, डिफरेंट है, ऐसा ना करिएगा कि छोड़िएगा।
3 की पावर 4 के लिए 1, 3 की पावर 5 के लिए यूनिट प्लेस पर अगेन 3, तो 3 की साइकिल 4 पर जाकर टर्मिनेट होती है। जो 3 की साइकिल है वो 1, 2, 3 पावर 4, पावर 4 पर जाकर टर्मिनेट होती है और वहां से फिर रिपीट करना शुरू कर देती है। तो अगेन हमको क्या मिलेगा, 3, 9, 7, 1। अब 3 की पावर 38, आप 38 को डिवाइड करिए 4 से, 4, 9 जा 36 प्लस 2, तो आपको 2 पावर मिलेंगी। 3 की पावर 2 के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिट प्लेस पर जो डिजिट मिल रही है वो डिजिट मिल रही है 9। तो आपको 3 की पावर 38 के लिए यूनिट प्लेस पर डिजिट 9 मिल चुकी है। मैं आपको पहले सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने ये वाला पार्ट किया था ऑलमोस्ट वैसा। 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम 4 टिल 1, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12, 2 = 24, आपको मिला 24। यूनिट प्लेस पर क्या मिला आपको, केवल 4। यहां पर यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिला था, 3 की पावर 2 के लिए 9। तो आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 9, 4 = 36 और यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आपका आंसर। ये आंसर किसके लिए आएगा, 4 × 3⁸ के लिए यूनिट प्लेस पर आपको मिलेगा 6। अब फर्स्ट पार्ट बेहद इजी है, मैंने इसलिए इसको बाद में चूज किया। 10 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस नंबर का प्रोडक्ट चाहे जो मर्जी आए उसके लास्ट में 0 जरूर आएगा। बल्कि मैं इतना कहना चाहूंगा आपको, जब भी कभी 4 फैक्टोरियल, मैंने यहां 4 फैक्टोरियल क्यों चूज किया था ऊपर, 4 फैक्टोरियल से अबोव जब भी कभी आ जाएगा तो उसमें 500% इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा और 5 × 2 = 10। मतलब जो भी कोई नंबर आए, डिजिट्स आएंगी और यूनिट प्लेस पे उसके 100% 0 आएगा। और 0 आते ही जब आप यूनिट प्लेस पर आपको मिला 0। अब आपके पास चाहे जो मर्जी नंबर आए, चाहे आपके पास 3 की पावर 38 आए, 3 की पावर 39 आए, 3 की पावर 37 आए, चाहे जो सा मर्जी नंबर आए, यूनिट प्लेस पर प्रेजेंट केस में तो हमारे पास 9 है, 9 × 0 = 0, 0 आएगा। और अगर आपके पास 3 की पावर 37 होता तब भी आपके पास 0 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर होता, आंसर 0 आता। तो हमने क्या याद रखना है, जब भी कभी फैक्टोरियल में 4 से बड़ा फैक्टोरियल आ जाए, 5, 6 एंड सो ऑन, और चाहे जो मर्जी नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा।